हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑनलाइन सेशन ऑफ आजाद हाई स्कूल आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर टेन जिसका नाम है एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण विशेषण वह शब्द होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं नाउन यानी कि संज्ञा जो भी सेंटेंस में संज्ञा दी जाती है उनकी जो विशेषता बताए कि वह कैसा है कितने हैं किस तरह का है ठीक है ऐसी जो शब्द विशेषता बताते हैं वो आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं जैसे एग्जाम्पल दिया है फ्रेड लॉस्ट फेवरेट पेन अब यहाँ पे जो नाउन पेन है उसकी विशेषता क्या बता रहा है फेवरेट कि वो पेन कैसा था उसका पसंदीदा पेन था ओके नेक्स्ट आई हैव एन ऑरेंज ड्रेस किस तरह का ड्रेस है ऑरेंज ड्रेस तो ये जो शब्द हैं ये क्या है एडजेक्टिव्स अब हम करेंगे एक्सरसाइज वन लुक एट पिक्चर्स एंड फिल इन द सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। पिक्चर को देख के हमने सुटेबल एडजेक्टिव लगाना है आइए करते हैं नंबर वन रजत वेंट फॉर अ वॉक ऑन अ रेनी डे नंबर टू द ट्री नियर माय हाउस इज ड्राई नंबर थ्री रैबिट्स आर स्मॉल एनिमल्स नंबर फोर अमीना इज हैप्पी बिकॉज शी हैज द रेस नंबर फाइव रवि कुड नॉट स्टडी बिकॉज द म्यूजिक वॉज टू लाउड अब करते हैं एक्सरसाइज बी फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दोज इन ब्रैकेट ब्रैकेट में आपको दो दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव जो ठीक है वो हमने चूज करके लिखना है नंबर वन द डैश पपी हिड बिहाइंड फ्लावर पॉट अब किस तरह का जो पपी होगा वो फ्लावर पॉट के पीछे छुप जाएगा नोटी यानी कि शैतान या ड्राई सूखा जिसमें क्या आएगा नोटी नंबर टू मिस्टर मैनन हर्ट हिज डैश लेग इन दार एक्सीडेंट मिस्टर मैनन ने अपनी कौन सी टांग कार एक्सीडेंट में घायल कर दी राइट right दाई वाली या फर्स्ट पहली टांग तो हम कैसे बोलते हैं राइट right या लेफ्ट तो इसमें आएगा राइट नंबर थ्री द किटन इज़ वेरी डैश कोर्स होता है मतलब मोटा और सॉफ्ट हो गया एकदम ही मुलायम तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम द किटन इज़ वेरी सॉफ्ट नंबर फोर द पीचेज आर सो डैश दैट आई कैन नॉट ईट देम अब पीचेज थे यानी कि आड़ू है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है कि मैं खा नहीं पाया सॉफ्ट या हार्ड हार्ड होगा इसलिए नहीं खा पाया तो यहाँ क्या लिखेंगे आप हार्ड नंबर फिफ्थ टी इज डैश बट आइसक्रीम इज डैश चाय क्या होती है गर्म तो यहाँ लिखेंगे हॉट बट आइसक्रीम इज कोल्ड यानी कि ठंडी नंबर सिक्स राजन इज वेरी डैश टीचर्स ऑफन प्रेज हिम प्रेज करना मतलब उसकी बड़ी तारीफें करते थे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं एफिशिएंट एफिशिएंट मतलब बहुत ही काबिल था Naughty शैतान अब शैतान होने पे तो कोई तारीफ करेगा नहीं तो यहाँ क्या आएगा एफिशिएंट नंबर सेवन एलिफेंट्स इन वाइल्ड लाइफ पार्क वेयर डैश थिक का मतलब होता है मोटे हम मोटे होने से एलिफेंट को संबोधित नहीं करते ह्यूज मानी की बड़ा तो यहाँ पे क्या आएगा ब्लैंक्स विद अपोजिट ऑफ दिंटेड इड रेड इन सेंटेंसेस जो सेंटेंस में आपको रेड कलर में वर्ड दिया है हमने उसके अपोजिट लिखने हैं फर्स्ट में आपको दिया है शार्प शार्प का अपोजिट होता है ब्लंट सेकेंड में दिया है ब्लैक ब्लैक का अपोजिट होगा वाइट थर्ड में दिया है रिच रिच का अपोजिट होता है पुअर फोर्थ में दिया है अनटाइडी अन का अपोजिट होता है क्लीन फिफ्थ में दिया है बोरिंग बोरिंग का अपोजिट होता है इंटरेस्टिंग सिक्स में दिया है फास्ट फास्ट का अपोजिट होता है स्लो सेवेंथ में दिया है नैरो नैरो का अपोजिट होता है वाइड एट्थ में दिया है बिटर यानी कि कड़वा उसका अपोजिट होता है स्वीट नाइन में दिया है थिक यानी कि मोटा उसका अपोजिट होता है थिन पतला टेंथ में दिया है वाइल्ड यानी कि जंगली और इसका अपोजिट होगा टेम यानी कि पालतू करना अब हम करेंगे डी पार्ट कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजिंग अ सुटेबल नाउन इसके आगे हमने नाउन लगाना है नंबर वन अ सॉफ्ट कुछ भी होता है सॉफ्ट पिल्लो आप पिल्लो लिख सकते हैं फेदर लिख सकते हैं नंबर टू अ लॉन्ग लॉन्ग के साथ हम लिखेंगे रोप नंबर थ्री एन इंटरेस्टिंग बुक या स्टोरी नंबर फोर लाउड नॉइज या म्यूजिक ठीक है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें तो यहाँ पे ही आपका चैप्टर खत्म होता है आई होप आपको समझ में आएगा एडजेक्टिव्स के बारे में तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे